चलिए, जैसे कि हमने पिछली बार आपसे कहा था कि आप मिसलिनियस सीरीज में बेसिक्स कुछ भी नहीं है पढ़ाने के लिए, जो इसके बेसिक सिस्टम है वो एपी जी पी एच पी, वो सब आपको पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा कोई इंडिविजुअल सीरीज आती है वो अपने अपने आप इंडिविजुअल तरीके से बनती है, तो उनको हमें बताना नहीं है। वो आपके क्वेश्चन आएंगे, डाउट होंगे तो उनको डिस्कस किया जाए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आने थे और फिर डाउट फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पिछली क्लास में बता दिया गया था। ठीक है, तो जो डाउट्स होंगे वो आप अपना पूछते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट हो गया, इनको नहीं आया वहां पर, और अगर आपने सॉल्व ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहेगा आगे, हम तो बढ़ते ही जाएंगे। सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे दिक्कत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब आप ये नहीं तैयार करेंगे तो फिर सिंप्लीफिकेशन में जहां पर भी मिसलेनियस सीरीज जैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपके फिर डाउट बनेंगे। फर्स्ट पूछना किसी को, सेकेंड हो गया, थर्ड देखिए आपके सामने गए 2 माइनस 6 18 माइनस 54। दिस तो सबसे पहले आपका काम ये होता है कि आप सीरीज को पहचाने, बातचीत नहीं। सबसे पहले आपका काम ये होता है कि आप सीरीज को पहचान लें कि एग्जैक्टली वो सीरीज है कैसी, एपी है, जीपी है या कोई और डिफरेंट सीरीज है। जब आप ये काम कर लेते हैं, जब आप पहचान लेते हैं, तो उसके बाद आप उसके ऊपर उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दिया जाए यहां पर, तो आपके सामने आता है कि 2 माइनस 6 18 माइनस 54 और अप टू डेट है। ध्यान दें तो यहां पर हमने देखा कि -3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, आप -3 का लगातार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कुल मिला के जो ए है वो तो आपके सामने है, ए है कुल मिला के वो तो आपके सामने है, और आर का मान आपका -3 है। तो इस प्रकार आपको ये पता चला कि जो सीरीज है वो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक, और जीपी में उसका एनवा पद निकालने के लिए हमने आपको सिखाया था कि टी एन इक्वल टू ए ब्रैकेट आर टू ए आर टू बार एन माइनस वन, यही तो सिखाया गया था। अगर आपसे 12th टर्म चाहिए, 12वां पद चाहिए, तो ए का मान कितना है 2 और आर कितना है -3 और टू दी पावर 12 माइनस 1, तो आपके सामने आ जाएगा 2 × -3 टू द पावर 11। ठीक, अब जैसे उसने ब्रैकेट को बाहर लगाया, माइनस के पावर अगर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इवन होती तो प्लस हो जाता, तो आपने यहां पे पाया कि आपका -2 × 3 टू द पावर 11, आंसर नंबर डी ए। पढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, वो बताना। देखिए 5 + 8 + 11 + 14 + 98। पहले तो सीरीज पहचाननी होती, सीरीज कौन सी है, तो आपने सबसे पहले सीरीज देखी तो आपको पता चला कि जो सीरीज है वो कैसी है, एपी है, यहां पर 3 ऐड हो रहा है, यहां पर भी 3 ऐड हो रहा है, यहां पर भी 3 ऐड हो रहा है, तो इस प्रकार आपको पता चला कि दिस इज एन एपी, तो ये आपकी एपी है। जैसे आपको पता चला कि जो सीरीज है वो आपकी एपी है, तो एपी के रूल्स लग जाएंगे, और एपी के रूल्स में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, कई लोग मदद कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा। बताइए, लास्ट टर्म अपॉन माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस और प्लस 1, साल तो करा ही लेंगे। 30
चलिए 5 + 6 देखिए, 6 ना, बातचीत नहीं करिए बस, 6 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 25 और दसवां पद -3, उसका प्रथम पद और सारांतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का तीसरा पद तो आप जानते हैं a + 2d दैट्स इक्वल टू 25, जो a + 2d है वो आपका कितना है 25, ठीक। और समांतर श्रेणी का दसवां पद a + 9d दैट्स इक्वल टू -3। अब आपके पास दो क्वेश्चन, दोनों चीजें बन गई। ये हमने आपको सब एपी में पिछली क्लास में समझाया है, अगर किसी समांतर श्रेणी का पद देखेंगे तो नंबर nth टर्म क्या होगा, तो जब आप सेकंड टर्म देखेंगे तो a + 2d और थर्ड टर्म, और जब आप टेंथ टर्म देखेंगे तो a + 9d। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गए। अब यहां पर आपको फर्स्ट सेकंड यहां पर ये हो गया। अब आपसे चाहता है वो प्रथम पद ए, तो आपसे फर्स्ट टर्म ए की भी डिमांड है और सारांतर डी की भी डिमांड है, आपसे ये दोनों बातें पूछ रही है। अब आपसे अगर प्रथम पद ए और सारांतर डी दोनों ही पूछे जा रहे हैं तो उस कंडीशन सिंपली ध्यान दिया जाए, तो आप यहां सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दें, -, -, +, ये सब्ट्रैक्ट -70 दैट्स इक्वल टू 28, इट्स डी इक्वल टू -4, डी का मान पुट अप कर दीजिए, ए इक्वल टू 33, आंसर नंबर डी। हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, 4 लगातार सम संख्याओं का एक 748 है, 4 लगातार सम संख्याओं का योग 748 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, 4 लगातार सम संख्याएं। अगर आप इवन नंबर्स की बात करोगे तो आप सभी जानते हैं इवन नंबर्स 2-2 के डिफरेंस पर चलते हैं, तो अगर 2-2 के डिफरेंस पर चलते हैं तो सिंपली यहां पर पहले नंबर को x मान लें, दूसरे नंबर को x + 2 मान लें, तीसरे को x + 4 और चौथे को x + 6, ये एज्यूम करने का पहला तरीका हो सकता है। अब यहां पर गए संख्याओं का योग जो है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो आपने पाया x + 2 + x + 4 + x + 6 that's equal to 748। सॉल्व फॉर x 184 आया, तो आपने कहा कि इसका मतलब ये कि सबसे छोटी संख्या दे ही आपकी 184 हो गई, दिस इज द आंसर। तो ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका रहा। बाकी याद करिए कि हमने आपको बताया था कि एपी का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो उसके बीच वाला पद होता है, और अगर पदों की संख्या इवन है तो बीच के दोनों पदों के मध्य में अर्थमेटिक मीन आता है, नहीं याद है? तो अर्थमेटिक मीन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, अगर पदों की संख्या ऑड है तो ऐसी कंडीशन में मध्य वाला पद जो बीच वाला पद होता है वही अर्थमेटिक मीन होता है, जबकि अगर पदों की संख्या इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, तो बीच के दो पदों के बीच में अर्थमेटिक मीन आता है, याद है? इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए काम यह भी किया जाता है कि अर्थमेटिक मीन वैसे क्या होता है। वैसे अर्थमेटिक मीन होता है σn/n, पदों का योग बटे पदों की संख्या, σn/n सिखाया था। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थमेटिक मीन निकाला है तो 748 पदों की संख्या कितनी है, 4, क्यों? अच्छा, अर्थमेटिक मीन निकाल इसलिए रहे क्योंकि जो इवेंट टर्म्स होते हैं वो 2-2 के डिफरेंस पर चलते हैं, और जो भी नंबर किसी इक्वल डिफरेंस पर चलते हैं उसको हम एपी कहते हैं। जो भी नंबर इक्वल डिफरेंस पर चलते हैं उस केस को हम क्या कहते हैं, एपी। तो यहां जो डिफरेंस आएगा वो 2-2 का है, तो एपी तो बनाएगी बनाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम डिवाइड बाय 4 कर दें तो एपी तो है ही, तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है? कितना आया, 187। अरे बोलो भाई, सही है? अब अगर 187 आया इसका मतलब ये अर्थमेटिक मीन है, 4 संख्याएं हैं,
संख्या कितनी है? चार। आपको बताया गया कि संख्याओं की संख्या जब इवन होती है तो एक जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बीच की दो संख्याओं के बीच में आता है, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन फिर यहां आएगा, दिस इज 187, और ये इन दोनों के बीच में होगा तो ये वाली संख्या 186 हो जाएगी, और फिर टू का गैप पूरा मिल जाएगा, ये 184 हो जाएगी। नहीं आया? हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि 1³ + 2³ + 3³, आपको याद होगा 1³ + 2³ + 3³ और प्लस अप टू डेडेस्ट एन क्यूब, प्लस एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, दैट इज एन, एन प्लस वन अपॉन टू टू द होल स्क्वायर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, दैट इज एन एन प्लस वन अपॉन टू टू द होल स्क्वायर। ये बात आपको पहले पढ़ाई गई थी, ठीक है? इसी पॉइंट ऑफ देखें तो यही तो है, तो इसका सम हो जाएगा 10, 10 प्लस वन अपॉन टू टू द होल स्क्वायर, 30। हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9, 10, 10th नंबर देखें, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम, योग, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, बताइए क्या बताया था? बताइए, बताइए आप, आ गया।
देखो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। और जिनसे अपेक्षा ज्यादा थी उनको ज्यादा मारा जाता है, सबको नहीं मारेंगे, सबका भी समय आएगा, सबका टाइम आएगा जब लगेगा रही अब तुम्हें आना चाहिए, अब तुम्हें समय हो गया, अब तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहे होगे, और अब अगर गलती कर रहे हो तो फिर गलत बात है, ठीक है। तो सबका नंबर आएगा कभी ना कभी मार खाने का, ठीक। लेकिन कुल मिला के उद्देश्य ये कि आप प्यार करें, वही बात आज फिर वही बात कल फिर, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। पर ये बात हमने आपको यूनिटी पाते से बीच बीच में कहीं बता दी, तो फिर आप कहीं भी आए तो याद रखिए, आप पता लगा हम फैक्टोरियल की बात हम कहीं आपको बता चुके हैं, फैक्टोरियल जरूरत पड़े तो फिर फंस जाओ तो क्या फायदा मिलेगा, तो फिर तो मतलब वो चीजें जुड़ी नहीं रही ना, स्टेप टू स्टेप जुड़ेगा तब जाके आप अचीव कर पाओगे कुछ। अब आप रोज खाली सोचोगे कि मैं रोज खाली हूँ, रोज भी पढ़ाना है वो मुझे नहीं आता, फिर तो नहीं मजा आएगी, तो रिवाइज करिए। हमने आपको बताया था फर्स्ट कुछ तीन फॉर्मूले लिखे थे, बाकी कुछ बहुत सारे लिखा चुका हूं मैं। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 + 2 + 3 + n, दैट्स इक्वल टू एन एन प्लस 1/2। फर्स्ट एन इवन नंबर्स, इसमें हम कह सकते हैं 2 + 4 + 6 n terms, याद रखिएगा n terms, n तक नहीं n terms, पदों की संख्या n, that's equal to n n plus 1। ये n अलग बात है, इसमें n last term होता है क्योंकि इसमें number of terms और last term same बात है, इसमें n number of terms, जैसे अगर 2 + 4 + 6 हो तो number of terms 3, ठीक है। इसी तरह first n odd numbers, 1 + 3 + 5 n terms, n पदों तक, सम होता है n square, नोट कर लीजिए। तो इसी से डिपेंडेंट है 25 का प्रथम 25 सम संख्याओं का, तो n n plus 1 उठा पुट अप कर दीजिए, ठीक है, समझ में आया। कल टेस्ट है रिमाइंडर थ्योरम का, शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है, ठीक है। वैसे आपके बैच का टाइम, आपका बैच का टाइम ही है 10-15 मिनट आगे पीछे करते हुए, जो भी टेस्ट शेड्यूल पैटर्न है। तो टेलीग्राम चैनल पे जो लोग भी नहीं है वो ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि सूचनाएं क्वेश्चंस अपडेट वहीं सब मिल जाएगा आपको। और अगर आपको आपसी ग्रुप डिस्कशन करना होता है तो टेलीग्राम ग्रुप भी है एक, ठीक है, जो आपसी बच्चे अपने डाउट डिस्कस किया करते हैं, ठीक है। और समय बर्बाद करने के लिए नहीं कि पता लगा उसमें जो है आप पूरे दिन मैसेज कर रहे हैं और आज मौसम अच्छा है ऐसे क्या करते, इसका नहीं मतलब। अगर आपको डिस्कस करने का है कि कोई क्वेश्चन आपको आपको हेल्प मिल जाती है, तो विद योर प्राइवेसी, अपने अकाउंट की प्राइवेसी लगाते हुए ग्रुप में आप ऐड हो जाएं और उसके बाद वहां अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। चैनल पे ज्वाइन करिए तो वहां से सिर्फ वो सूचनाएं मिलेगी जो यहां से अपडेट की जाएंगी, ठीक। अगर टेलीग्राम आप नहीं चलाते तो फेसबुक चैनल, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी अपडेट किया जाता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे जरूर किया जाता है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12, 13, 12, 75 से 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 75 + 76 + 99, देखने में एपी लग रही, ठीक। एन कितना होगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वन कॉमन डिफरेंस प्लस वन, कितना है? 25। और उसके बाद एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल हो जाएगा। थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, 17, 18, 19, देखें 19 नंबर क्वेश्चन, अनुक्रम का 33वां पद खोजें, फाइंड द 33rd टर्म ऑफ द सीरीज 3, 8, 9, 13, 15, 18, 21, 23 एंड डेटेड।
हमने देखा कि यहां पर सीरीज में दो सीरीज चल रही हैं, देखी एक सीरीज आपकी नीचे अलग चल रही है, एक सीरीज अलग चल रही है। तो ये मिसलिनियस सीरीज किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये 6-6 के गैप पर चल रही है और ये आपकी 5-5 के गैप पर चल रही है, ठीक। अब आप हमको बताओ कि अगर 32 पद होते तो बड़ा, मतलब देखो क्या होता है, कभी कभी हम चीजों को वर्बली सोचना चाहते हैं, फिर हम बहुत मैथमेटिकली बात करेंगे तो दिक्कत आएगी। अपनी सामान्य तरीके सोचिए, अगर सीरीज में 32 टर्म होते तो 16 पद पहली श्रृंखला को मिलते, 16 पद दूसरी श्रृंखला को मिलते, बिकॉज देयर आर टू सीरीज। लेकिन उसने कहा 33वां पद तो 33वां पद किस श्रृंखला को मिलेगा, पहली को, तो 33वां पद पहली श्रृंखला का कौन सा पद होगा, 17वां। 32 तक 16-16 होगा, अब 33वां पद पहली श्रृंखला का 17वां पद और 34वां पद दूसरी श्रृंखला का 17वां पद, फिर एक 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 कैसे बढ़ता जाएगा। तो उन्हें 32 एक बार में बराबर किया कि भाई 16 पहले की 16 दूसरे के, और जैसे 33वां पद आया तो फर्स्ट सीरीज का नहीं आया। 33वां पद किसको मिलेगा, पहली सीरीज को या दूसरी सीरीज को, पहली को, क्योंकि हर ऑड नंबर का टर्म पहली को मिलेगा और हर इवन नंबर का टर्म दूसरी को मिलेगा। पहला तीसरा पांचवा सातवां ये पहली श्रृंखला होगी, दूसरा चौथा छठा आठवां ये, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सीरीज का 33वां पद बराबर होगा पहली श्रृंखला, पहली एपी का 17वां पद, कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। तो पहली श्रृंखला का 17वां पद हो जाएगा a प्लस 16d, और a कितना है 3, और 16 और d कितना है 6, बोलो सही कि नहीं, कितना आया 90 आंसर। ठीक है, अब रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाइए, मिसलिनियस सीरीज को ईमानदारी से अटेम्प्ट करिए, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो अगली क्लास पूछिए। रिमाइंडर थ्योरम बातचीत नहीं, इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम के साथ किसी और का टेस्ट नहीं, केवल रिमाइंडर थ्योरम का टेस्ट है। आप ईमानदारी से रिमाइंडर थ्योरम प्रिपेयर करें, ठीक है, और उसके जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से बनाए। अगर आपने पीछे के क्वेश्चन पे काम किया तो आपको आसानी से बात समझ आएगी, ठीक है। तो कल अच्छे से टेस्ट दें, ओके, बिल्कुल।